हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि मुंबई इंडियंस किस अपने सोच के साथ आईपीएल के मैदान में उतरने वाली है, आईपीएल में वो गेम खेलेगी, कैसे स्ट्रेटेजी होने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा मीडिया के सामने आए, मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने तमाम चीज़ों का जिक्र किया है मीडिया के सामने। और साफ तौर पर रोहित शर्मा ने कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसी पहलू है जिस पर उन्होंने बातचीत की है। हालांकि सभी की निगाहें मुंबई इंडियंस पर टिकी हुई है कि किस स्ट्रेटेजी से मुंबई इंडियंस जो है अब मैदान में उतरने वाली है। लेकिन जब रोहित शर्मा मीडिया के सामने आए तो रोहित ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जो है प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल प्लेइंग 11 में से 9 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, अभी भी सिलेक्शन की प्रक्रिया जारी है, आने वाले समय में ये बदलाव उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं, साफ तौर पर रोहित शर्मा का कहना है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस आईपीएल में मुंबई इंडियंस में कुछ ऐसे नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे हमें, कुछ ऐसे नए युवा जो है वो पहली बार मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे और वो यहाँ पर पहली बार इसमें खेलने वाले। लेकिन रोहित शर्मा ने ये कहा है कि उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी एक अलग से स्ट्रैटेजीज रेडी की गई है और उन पर किसी तरह का प्रभाव ना हो, कोई दबाव ना हो, उस पर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। तो रोहित शर्मा जो है इसकी कप्तानी करेंगे और शर्मा की कप्तानी में देखने वाली बात यही होगी कि इस बार मुंबई इंडियंस जो है ट्रॉफी जीतती है या नहीं, क्योंकि सभी की निगाह, फैंस का साफ तौर पर कहना है, सभी लोग कयास लगाकर बैठे हुए। लेकिन अब तक के हमें जितने भी हमने मैचेस देखे उसमें रोहित शर्मा जो है बिल्कुल एंड मोमेंट पे वो अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर देते हैं, जो अपनी स्ट्रेटजी के लिए वो माहिर भी हैं। हालांकि ट्रॉफी पर फिलहाल सभी की निगाहें बनी हुई हैं। आपको बताते चले कि मुंबई इंडियंस जो है इससे पहले कि अगर हम उनके प्लेइंग 11 की बात कर लें तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखा गया था, एक बड़ा बदलाव जो है वो रोहित शर्मा ने किया हुआ था। लेकिन अभी रोहित शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि जैसे कि उनकी यहाँ पर गेम में जो है बहुत चेंजेस होगा, जसप्रीत बुमराह की कमी जो है वो यहाँ पर ज़रूर खिलने वाली है, कमी खलेगी भी, रोहित शर्मा ने साफ तौर पर कहा। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भरपाई करने के लिए टीम के पास जैफ्रा आर्चर हैं, बुमराह की कमी ज़रूर खलने वाली है। और इसको लेकर अभी देखने वाली बात यही होगी कि आईपीएल के मैदान में जब टीम उतरेगी तो वो किस स्ट्रैटेजी पर काम करने वाली है। आपको क्या लगता है, 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस अपने नाम कर पाएगी या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।